हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस प्लैनेट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। तो हमने अपने स्कैन नंबर सिस्टम के दो पार्ट्स कर लिए हैं आज हमारी क्लास तीसरे पार्ट पे। आज की क्लास ज़्यादा लंबे नहीं होगी क्योंकि आज हमें दो ही कॉन्सेप्ट करने हैं और एक कॉन्सेप्ट जो है पिछले वाले से, जो हमने पिछली क्लास में किया था उससे रिलेटेड एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। तो आज की क्लास 15-20 मिनट की होगी, थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। तो अपने पिछली क्लास रिवाइज करी है, आई होप करी होगी। ये नहीं करी होगी तो कन्फ्यूज हो जाओगे आज की क्लास में। रिवीजन की है सक्सेस की, रिवीजन करते रहना। तो स्टार्ट करते हैं और पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। जिसने की रिवीजन की है उसको याद होगा और वो बता भी देगा। 14893 143 कितना होगा ये बताइए, इसकी यूनिट डिजिट। ये बताना है आपको। अब कुछ एक जो क्वेश्चन हमारे सम वाले, जैसे कि हमारे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 402 प्लस 4 की पावर या 3 की पावर 402, इसे कैसे करेंगे? सिंपल सा, जैसे कि हमने कल किया था कि हम यूनिट डिजिट को, जैसे 141 हो गया, 156 हो गया, या कोई भी बड़ा नंबर जिसका ला यूनिट डिजिट कुछ भी हो सकता है 9, तो हम उसको पूरे नंबर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट ऐड करनी है हमें। तो हम इसमें भी सेम बात है, हम इन नंबर्स में भी यूनिट डिजिट ही ऐड करेंगे। तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा रिमाइंडर? 2 आएगा। तो हम यहाँ पर रिमाइंडर 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी रिमाइंडर 2 आएगा, तो रिमाइंडर 2 लिखेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद इसकी पावर को, तो 3 7 की पावर 2 का, इसका 7 की पावर 2 का यूनिट डिजिट कितनी थी? 9, और 3 की 9। तो टोटल नंबर कितना बना? 8 बना, तो 18। लेकिन हमें 18 का कुछ मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, ठीक है? तो ये हमारे इस तरह से आंसर हो जाते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। 42 into 41, रुको सीधे सीरीज लिख देता हूँ मैं, 41 into 42 into 43 up to 59 तक। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? जैसे मैंने आपको कल बताया था, मल्टीप्लिकेशन में 5 और 2 के पेयर्स देखने बहुत ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि अगर 5 और 2 के मल्टीपल हैं, पेयर्स हैं, तो उससे हमारा 10 बन जाता है 5 और 2 मल्टीप्लाई करके। और 5 और 2 मल्टीप्लाई जब 10 बनता है तो उसमें एक 0 आ जाता है, और उसके बाद 10 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में 0 आ जाता है, तो हमें इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक 2 का पेयर दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, यहाँ पर 45 भी होगा कहीं पर, तो 5 और 2 का पेयर मिल गया। इसका आंसर 0 होगा, यूनिट डिजिट। इसका आंसर 0 नहीं होगा, यूनिट डिजिट इज 0। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं एक एक दो दो इसीलिए करा रहा हूँ, अगर मैंने सारे करा दिए, मैं स्पून फीड नहीं करने आया हूँ आपको, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने आया हूँ। बाकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रैक्टिस पेपर्स मैं दूंगा आपको, ठीक है? अगर आपके पास बुक्स हैं तो बुक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुक से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके माइंड में वो चीज़ें रिटेन होंगी। कोई डाउट्स है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन चैनल ज्वाइन कर लो और इसमें डाउट्स पूछो, मैं आप वहाँ पर अवेलेबल रहूँगा आपको बताने के लिए। अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो 7 की पावर 95 माइनस में 3 की पावर 58, व्हाट कुड बी द आंसर ऑफ दिस? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। अभी हम सिर्फ हर जगह क्वेश्चन में बार बार नहीं लिखूंगा यूनिट डिजिट, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन यूनिट डिजिट ही कर रहे हैं, यूनिट डिजिट वाले। तो हम हर क्वेश्चन में बताएंगे कि यूनिट डिजिट क्या है। अब 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 बचेगा, 58 को भी 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 बचेगा। इसका यूनिट डिजिट हमारे पास 3 आता है, इसका यूनिट डिजिट हमारे पास 9 आता है कि नहीं? अब हम लोग यहाँ से जैसे कुछ भी अगर नेगेटिव में आ रहा है, तो ये देखो कि यहाँ पर कोई नंबर था, हम वहाँ से कैरी करते हैं कि नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास 43 होता है,
नंबर, और यहाँ पर 56 होता है, तो हम 56 नहीं, यहाँ पर 26 कर लेते हैं। और यहाँ से जब हमारे पास 3 6 से जब कम होता है तो यहाँ से कैरी करते हैं ना 4 बनाने के लिए, इसको 13 बनाने के लिए, और यहाँ 3 रह जाता है। तो यहाँ से ही हम सेम ऐसे कैरी करेंगे 13 बनाने के लिए इसको, और यहाँ पे हम इस चीज़ का मतलब नहीं है यहाँ क्या रहता है क्या नहीं, यहाँ इस चीज़ को कैरी करके हमारे पास 13 बना। अब 13 - 9 कितना होता है हमारे पास, बताओ? 4 होता है। तो हमारी जो यूनिट डिजिट होगी वो 4 होगी, ठीक है? तो माइनस वाले क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। अब बाकी क्वेश्चन तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले कर दोगे। जैसे एक क्वेश्चन बहुत, जैसे मैंने कल आपको 4 की पावर इवन 4 की पावर ऑड वाला बताया था, उस तरह से भी आ जाता है। 224 5 4 की पावर 376 + 124 5 4 की पावर 375। इसे कैसे करेंगे? तो सिंपल सा था, 3 की पावर अगर हमारे पास इवन है तो उसका यूनिट डिजिट 6 आता है, और 4 की पावर अगर ऑड डिजिट है, ऑड है, तो उसका यूनिट डिजिट 4 आता है। तो इसको अंदर सिंपली हम कर सकते हैं पूरा, हमें डिवाइड करने के लिए इसको 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है, रिमाइंडर निकालने के लिए फिर यूनिट डिजिट की पावर लिखने की। हम सिंपली इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है फैक्टोरियल के, फैक्टोरियल सभी को पता होगा ना, फैक्टोरियल का सिंबल इस तरह से होता है, दूसरा इस तरह से होता है, कैसे भी लिख लो, है ना? कुछ क्वेश्चन आते हैं कि मान लो, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 10 फैक्टोरियल, तो कैसे करेंगे? तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, उस नंबर से 1 तक मल्टीप्लाई करते जाओ, 10 × 9 × 8 × 7 ऐसे करते जाओगे 1 तक। यहाँ पर 10 10, एक 0 तो बन ही रहा है, तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। अब इसमें एक ट्विस्ट है, हर एक फैक्टोरियल का आंसर 0 नहीं होगा। वो कैसे? देखो 1 फैक्टोरियल का क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल का क्या लिखेंगे 2 × 1, यूनिट डिजिट हमारे पास 2 आएगी। फिर हमारे पास 3 फैक्टोरियल आता है, 3 × 2 × 1, इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास 6 आएगी। 4 फैक्टोरियल, इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास आएगी 4 × 3 × 2 × 1 = 24। फिर आता है 5 फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अबे 5 का और 2 का पेयर मिल रहा है हमें, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो इसका आंसर 0 होगा, यूनिट डिजिट इसी 0 होगी। अब यहाँ से आप नोटिस करने वाली बात है, अब 5 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी नंबर होंगे, जितने भी कोई भी नंबर उठा लो, 7 उठा लो, 7 फैक्टोरियल, या 84 96 कुछ उठा लो, तो आंसर क्या होगा? 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, ये भी 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट तो हमेशा 0 आती है कि नहीं? तो 0 आ गई, तो इन सभी की यूनिट डिजिट 0 आएगी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 10 आ गया ना, 5 और 2 का पेयर आ गया ना, एक 5 और 2 का एक पेयर आ गया। अब उस 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आके तो वही आएगा, एक 0 ही आएगा लास्ट यूनिट डिजिट। तो सेम इसीलिए हम कह सकते हैं कि 5 से बड़े जितने भी नंबर होंगे उनकी यूनिट डिजिट में 0 ही आएगा, सॉरी 5 कह रहा हूँ मैं, 4 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी नंबर होंगे उनका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। अब वो कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, क्यों? क्योंकि 4 तक हमारे पास कोई भी 5 और 2 का पेयर नहीं था, लेकिन 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर आएंगे उनके फैक्टोरियल में 5 और 2 का पेयर आएगा, ठीक है? तो अब हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन आप मेरे को बताएंगे, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 500। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये राइटिंग ठीक लग रही है ना, पहले से इंप्रूव है ना, हो जाएगी अभी और इंप्रूव हो जाएगी।
तो आज का हमारी क्लास क्लास कह रहा हूँ मैं, ये वाला जो यूनिट डिजिट वाला टॉपिक था वो इतना ही था। इसमें कोई आगे जाके डाउट आए, कुछ आए, तो मैं अवेलेबल हूँ उस पर, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे मेरे को कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ग्रुप ज्वाइन कर लेना ये वाला। तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब मेरे को लगा था नंबर सिस्टम की क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, पर ज़्यादा नहीं होंगी, मैक्सिमम 4 to 5 क्लासेस में हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तब तो हम देखिए अपना नया कॉन्सेप्ट। अब हमारा कॉन्सेप्ट आएगा बार कॉन्सेप्ट। बार सभी को पता होगा, बार क्या होता है। कभी भी कोई नंबर रिपीट हो रहा हो तो हम उस जगह पर बार लगा देते हैं ना। हमने नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, ये नंबर्स देख लिए ना, देख लिए ना। तो चलो अभी हम देखते हैं। कोई मान लो नंबर है 0.444444, अपटू चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, अपटू इन्फिनिटी। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 0.4 बार लिख देंगे। तो हमारे यही कॉन्सेप्ट है, हमें इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कहीं पर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, कन्वर्ट 0.4 बार इन फ्रैक्शनल फॉर्म, इस तरह से। या फिर क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन 0.23, सिर्फ 3 पे बार। इस तरह क्वेश्चंस आ जाते हैं। हम लोग इसको अभी नीचे अगले पेज पे डिस्कस करते हैं, करेंगे ये वाले कॉन्सेप्ट। हम ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, 5-10 मिनट का टॉपिक है, आप लोग कर लेंगे। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया था 0.4 बार का, बार को हटाने के लिए सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, 4/9 लिख देंगे, वो हमारा आंसर है बस। हाँ ज़्यादा सारी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। हाँ सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मजाक सोच रहे हो आप लोग, इतना ही होता है, इतनी ही होती है चीज़ें। ट्विस्ट कहाँ पर आएगा? ट्विस्ट आएगा जहाँ पर एक ही डिजिट पे या दो डिजिट पे बार हो। जैसे मैं 2-4 बार बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद वो करते हैं 0.23 बार। इसको हम कैसे लिखते हैं? 0.23 23 23 ऐसे करके। लेकिन इसका आंसर भी हमारे पास 23/99 हो जाएगा। एक चीज़ आपने नोटिस करी, जितने नंबर पे बार है उतने नाइन ऐड होते जाएंगे डिनोमिनेटर में। यहाँ 2 पे बार था तो दो दो नाइन ऐड हो चुके हैं। देखो एक और चीज़ देख लो, एक और एग्जांपल देख लो। 4/13 के ऊपर बार है तो इसका हो जाएगा 4/13/999। हाँ जी बस इतना ही है, बस इतना ही था हमारे करना। अब जो आएगा हमारे पास क्वेश्चन आएगा ऐसे। हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, एक यहाँ लिखा था ये वाला। अब इसका आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर। 0.23 बार आएगा। इसे बोला जाएगा कन्वर्ट इन फ्रैक्शनल और फाइंड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, किसी तरह से भी आ सकता है, तो हम कर लेंगे इजीली। इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम? देखो जो हमारे पास नंबर है पॉइंट के बाद वो हम पूरा लिख लेंगे, लेकिन उनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है, बार नहीं है वो आंसर है, वो चीज़ है 2। और नीचे हम लोग जितने बार हैं उतने लगा देंगे 9। एक पे बार था तो हम लगा देंगे 9, और जितने भी बार नहीं है उतने पे हम लगा देंगे 0। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 21/90। अब हमें किसी तरह से पूछ ले, कन्वर्ट करने के लिए बोला, कन्वर्ट हमने कर दिया है। न्यूमरेटर बोला है तो न्यूमरेटर भी निकाल दिया हमने, डिनोमिनेटर बोला है तो डिनोमिनेटर भी निकाल दिया। आगे समझ में? अच्छा चलो एक और देख लेते हैं। 49 बार ऊपर है, पॉइंट 0.4049,
अरे सर कभी 0.49 मत बोलने जाना, कभी बाहर जाएगा वो 0.49 नहीं, 0.49 होता है भाई, 100 सॉरी 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 0.49 बार, इसे कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, 49 नंबर लिख दिया माइनस 4 अपॉन में 90, क्योंकि एक बार था एक नॉन बार में नंबर था, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 45/90, ये हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी। अब 3 डिजिट वाले देखें, ओके 0.335, 2 पे 12 है, इसे कन्वर्ट करो। सेम वही तरीका है जी, सेम वही तरीका। अब बोलेंगे सर इसमें तो एक ही पे बार था, फिर वो तो हमने कर लिया, लेकिन इस पे 2 पे 12 है, अगर हम इसमें से पूरे में से माइनस कर लेंगे तो कैसे माइनस करेंगे। तो कोई बात नहीं सर, इसका आंसर इस तरह से निकलेगा जैसे मैंने आपको बोला था, नंबर एज इट इज रखना है, पूरा नंबर वही ही लिखो, लेकिन माइनस वो करो जहां पर बार नहीं है, बार नहीं है वो 3 है, और जिस पे बार जितने नंबर पे बार है उतने 9, और जितने पे नहीं है उतने 0। सिंपल है, 332/990। आगे फर्दर कट हो रहा है, कट कर दो, 166 अपॉन में 1। अगर फर्दर कट हो रहा है तो और फर्दर कट कर दो, लेकिन कट करके लिखना एकदम शॉर्ट, जो शॉर्टेस्ट टर्म होगी उसको लिखना है बिल्कुल ही, क्योंकि जब क्वेश्चन में आएगा कि इसकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखो तो उसमें 332 और 990 नहीं होगा, उसमें 166 और 495 इस तरह से होगा, आपको उसको शॉर्टेस्ट टर्म में कट करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट टर्म में सॉरी। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा 1.76 बार कैसे लिखोगे, या फिर 4.23 बार कैसे लिखोगे, तो ये भी बहुत सिंपल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.76 बार और 0.76 बार इस तरह से, इसको लिख सकते हैं 4+0.23 बार। अब आगे तो सॉल्व करना आता है ना इसको और इसको, है कि नहीं, ऐसे लिख लेंगे 1+, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा आप बताएंगे, बताएं। चलो मैं कर देता हूँ, अगली बार से खुद करेंगे, 69/90। ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसको और आगे आपको तोड़ना है तो आप कर सकते हैं, 169/90 लिख दो, और 90 इसमें से करते हैं ना, इस मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा 90+69 कितना हो जाएगा, बताओ बताओ आप, इसका आंसर हमें नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। फिर ये चीज़ आती है हमारे पास 4+23/90, सॉरी 99, सेम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4/23/99। सिंपल है, बस इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। क्या तो अब चलें आगे, लास्ट एक कॉन्सेप्ट और है, छोटा सा एडिशन, कैसे करेंगे इसको ऐड। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 6.2 बार+3.4 बार, इसको ऐड कैसे करेंगे, कुछ नहीं, पहले वाले टर्म्स को ऐड कर दो 9+, दूसरे जो बार वाले टर्म्स हैं उसको ऐड करके 6 बार, जो ऐड पीछे वाले टर्म्स हैं उनको ऐड कर दो, बार लगा दो, बस इसका आंसर यही है 9.6 बार, पॉइंट है। हाँ यही है, 1.7 बार+2.2 बार, इसको कैसे करेंगे, कितना हो जाएगा 3.9 बार। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन की 7 और 2 9 बन रहा है, लेकिन अगर ये 1 से 10 से ज़्यादा बने, बड़ा बने, तो उसमें क्या करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। देखो 4.7 बार+2.9 बार एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या करो, इसको ऐसे लिख लो 4.77777, 4 डिजिट तक लिख लो, 5 डिजिट तक लिख लो, कितने डिजिट तक लिख लो आपकी मर्जी है, सिंपल रखना, पर 2.9999 इतना रखो। अब इसको ऐड करो, क्या बन रहा है 6, 1 ऊपर कैरी,
आगे क्या बनेगा हमारे पास, 7 7 7 है ना, एक ऊपर कैरी 7, नीचे जो एक लास्ट में, आप जानते हो, देखते हो कभी बहुत बड़ा नंबर आता है कई बार कैलकुलेटर में आपने किया होगा, तो एक ही बार वाले नंबर को क्या लिखते हैं, जैसे 4.2 बार है मान लो, तो 4.22222222 लास्ट में आते हैं, बहुत लास्ट में, जहां पर लास्ट डिजिट होगी उसमें 3 लिख देते हैं, देखा होगा ना आपने कभी, तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, वो ये है कि लास्ट में बहुत सारे 2 हो जाते हैं, उन सबको कंबाइन करके 3 लिख देते हैं, उस कॉन्सेप्ट में हमें घुसना नहीं है अभी, ब्रीफ सा आइडिया सिर्फ इतना समझो कि हाँ जो लास्ट में काफी बड़ी बार वाले नंबर होते हैं उसमें लास्ट डिजिट उससे एक बड़ी होती है, सिर्फ इतना ध्यान रखो, उसमें हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो ये हमारा क्या हो जाए 7.7 बार, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे कितने ही डिजिट ले लो वो लास्ट वाली टर्म 6 होगी, लेकिन उसके बाद सारे ऐड होते थे 7 आ जाएंगे, 7 बार हो जाएगा। आगे समझ, अब आप कह देंगे सर कि 2 डिजिट वाले सम में कैसे ऐड करेंगे, जैसे 12.45 बार प्लस 9.37 बार, इसको कैसे करेंगे, तो कुछ दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत ईजी है, 12.45 45 45 45 45 9.37 37 37 37 37 37। अब इसको ऐड करना है, सिंपल है, ऐड कर दो, क्या बने हमारे पास, 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 पॉइंट, एक ऊपर था, नहीं ऊपर की जरूरत ही नहीं है, ऊपर की जरूरत ही नहीं हमें, एक यहाँ से कैरी हो जाता है ऊपर, बस सिंपल है, और यहाँ पर आ जाए 21 21.82 बार, बस और कुछ नहीं करना, बस इतना ही है, ये बस इतना ही है। देखो नहीं आया समझ में, 5 प्लस 2 12 होता है, 1 ऊपर कैरी 8 8 आया, फिर 5 प्लस 2 12 1 ऊपर कैरी 8 5 प्लस 2 12 आया 8 1 ऊपर कैरी 8, सिंपल। आगे समझ, सेम ऐसे ही होगा जैसे, अच्छा स्लाइड ऐड नहीं करी मैंने, चलो मैं यहीं पर साइड में लिख देता हूँ, जैसे कि अब एक चीज़ आ जाएगी, आप कहोगे कि सर 1 पॉइंट वाला बार भी बता सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4.5 बार प्लस 7.23 बार, इसे से लिख लो 12.45555555, और इसे लिख लो 7.23 23 23 23, ऐड करते जाओ, लास्ट में आपको बनता है अपना 8 7 8 7 8 7 8, यहाँ बनेगा 4 2 6.19। अब इसे कैसे लिखोगे, यहाँ पर एक 6 था यहाँ पर एक था, सिंपल बात है, 19.19.6 उसके बाद 8 7 बार, बस इतना था। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट इतना ही था, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, फिर आप 2 4 चीज़ें और आ जाएंगी हमारे पास, जैसे कि फाइंडिंग स्क्वायर एंड क्यूब रूट, और फिर अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास एक ही आएगा, फाइंडिंग नंबर ऑफ डिवीजर्स, या फिर इसको नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलते हैं, इसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले 2 कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये कल और परसों में, और एक कॉन्सेप्ट और आएगा, ये दो कॉन्सेप्ट हम कल और परसों में कंप्लीट कर लेंगे, और हमारा हम अपना नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद मैं आपको ग्रुप में क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा, क्वेश्चन पेपर कह रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस से डाल दूंगा, वो आप कर लेना, बेनिफिट रहेगा, रिविजन करते रहना साथ साथ, ठीक है, तो हम चलते हैं, आज इतना ही, ओके चलो बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।